हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत के टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाले हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली सरकारी नौकरी है। अगर दोस्तों आप इनमें से कोई भी एक जॉब करते हो तो आपका पूरे भारत में मान सम्मान और रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जॉब भारत में नंबर 1 से नंबर 10 रैंकिंग में है। और जो नौकरी नंबर 1 पर है उसे देखना मत भूलिएगा, जो कि भारत का सबसे ऊँचा पद है जिसे हर कोई नागरिक करना चाहता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं भारत के टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। दोस्तों भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां रेलवे ही देती है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय रेलवे में मुख्य तौर पर 4 विभाग बनाए गए हैं, जिनमें से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है, और सबसे लास्ट में ग्रुप डी आता है। ग्रुप डी पद के लिए आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मजदूरी जैसा ही काम करने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पद ग्रुप ए में आता है, उसके बाद ग्रुप बी में उच्च स्तर के पद आते हैं, जबकि ग्रुप सी में सामान्य स्तर के, और ग्रुप डी में तो आप सभी को पता ही होगा कि उनमें निम्न स्तर के जॉब होते हैं। जबकि रेलवे इंजीनियर, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पद होता है, जो कि ग्रुप ए में आता है, इस जॉब में आपको रेलवे ट्रैक्शन पावर, ट्रेन और ट्रैफिक सिग्नल पर नियंत्रण करना होता है। अगर आप इसमें हल्का सा भी लापरवाही करते हो तो आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि इस ग्रुप में जॉब अप्लाई करें कैसे। दोस्तों ग्रुप ए में नौकरी करना काफ़ी मुश्किल होता है, इस ग्रुप में काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा। दोस्तों रेलवे इंजीनियर एक बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल का जॉब है। इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे विषयों को करते हुए 12वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास होना होगा। फिर आपको 12वीं के बाद बीटेक करना होगा, लेकिन दोस्तों बीटेक करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना होगा, फिर जाकर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि इसमें सैलरी कितने मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि यह जॉब एक जिम्मेदारी वाला जॉब है, इसलिए इसमें आपको सैलरी भी अच्छा खासा ही मिलेगा। शुरुआती समय में ही आपको 35,000 महीना दिया जाएगा, और समय के साथ ही आपका यह तनख्वाह 2 लाख से 3 लाख तक हो जाएगा। नंबर 9, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर का काम जंगलों की देखरेख करने से लेकर जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगाने का होता है। दोस्तों वन विभाग में अफसर होना कोई छोटी बात नहीं है, इसमें आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, और इसमें सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों अगर आप IFS बनना चाहते हो तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यह भारत का 9वां सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली सरकारी नौकरी है। दोस्तों IFS बनने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा में साइंस करना होगा, फिर 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, फिर आपको IFS एग्ज़ाम पास करना होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आप IFS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो आपको IFS ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इस जॉब में सैलरी की बात करें तो आपको शुरुआती दिनों में ही 35,000 दिया जाएगा, और समय के साथ साथ आपकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख तक हो जाएगी। अब दोस्तों बारी है इससे भी बड़ा जॉब की। नंबर 8, असिस्टेंस प्रोफेसर लेक्चर। दोस्तों हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जिसमें कैंडिडेट के पास प्राइमरी टीचर बनने से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नौकरी पाने का मौका मिलता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी एक विषय से संबंधित टीचर होता है, साथ ही प्रशासनिक कार्य भी संभालने का जिम्मा होता है। दोस्तों एक असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के छात्र को पढ़ाना होता है, साथ ही रिसर्च में उनकी मदद करनी होती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंकों के साथ PhD की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च में अनुभव भी होना चाहिए, साथ ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना चाहिए, तब जाकर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, तो उनको शुरुआती दिनों में ही 40,000 महीना दिया जाता है। अब दोस्तों बारी है इससे भी ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब की। नंबर 7, इनकम टैक्स ऑफिसर। दोस्तों अक्सर आपने फिल्मों में इनकम टैक्स ऑफिसर को रेड मारते हुए देखा ही होगा, हालांकि इनकम टैक्स ऑफिसर रेड के अलावा भी कई सारे काम करते हैं। दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत CBDT द्वारा नियुक्त किया गया यह एक आधिकारिक जॉब है। इनकम टैक्स ऑफिसर का काम टैक्स की वसूली निर्धारित करना होता है,
अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप दो तरीकों से ये नौकरी पा सकते हो। सबसे पहला, इसके लिए पहले आपको SSC CGL की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा हर साल होती है जो SSC द्वारा निकाली जाती है। और दोस्तों, दूसरा रास्ता UPSC सिविल परीक्षा। UPSC सिविल सेवा एग्जाम के जरिए भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। अब दोस्तों, आप कहोगे कि UPSC एग्जाम SSC से तो बहुत डिफिकल्ट है, तो क्यों ना हम SSC CGL करके इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप SSC CGL के जरिए एग्जाम देते हैं तो आप सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनोगे, और अगर आप UPSC के जरिए एग्जाम देते हो तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए जाओगे। दोस्तों, अगर हम इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो आपको शुरुआती दिनों में ही 50,000 रुपये महीना दिया जाएगा। नंबर 5, NDA। दोस्तों, NDA का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जो कि भारतीय सेना के 3 भाग हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो कोई नेवी में जाना चाहता है, तो कोई एयरफोर्स में, क्योंकि दोस्तों इसमें छोटे से लेकर बड़े पदों पर बहुत सम्मान मिलता है। दोस्तों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जॉब करना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती है, क्योंकि इससे हम अपनी देश की सेवा करते हैं। NDA एग्जाम UPSC की ओर से साल में 2 बार निकाली जाती है। UPSC, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, NDA एग्जाम को शॉर्टकट में UPSC NDA एग्जाम भी कहा जाता है। यह नेशनल लेवल एग्जाम है। इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जाम के जरिए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है। सीधे तौर पर कहा जाए कि अगर आप फौजी बनना चाहते हो तो आप NDA एग्जाम दे सकते हो। और अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो महीना में इनको 60,000 दिया जाता है। नंबर 4, RBI ग्रेड B। RBI ग्रेड B अधिकारी का पद बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अधिक डिमांड वालों पदों में से एक है। RBI में ग्रेड बी अधिकारी एक ऐसी पोस्ट है जो सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ऊंचा जॉब माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों, RBI ग्रेड बी परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण परीक्षा होती है, जो कि भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा को क्लियर करना असंभव है। हर एक परीक्षा तब तक कठिन होती है जब तक कोई इसके लिए तैयारी नहीं करता है। RBI ग्रेड बी परीक्षा को पास करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। RBI में जॉब करने के लिए आपको 12वीं क्लास में कॉमर्स विषय करना होगा। फिर आपको 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करना होगा। फिर RBI द्वारा साल में एक बार RBI ग्रेड बी जॉब निकाली जाती है, जिसे आप क्लियर कर गए तो आप RBI में एक मैनेजर के तौर पर नियुक्त किए जाओगे, और आपकी सैलरी स्टार्टिंग दिनों में ही 70,000 रुपये तक होगी। नंबर 3, इसरो। दोस्तों, चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद इसरो की चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं? अगर आप साइंस में रुचि रखते हो और इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए यह जॉब एक बेस्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 10वीं क्लास के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जैसे विषयों का चयन करना होगा। फिर आपको 3 वर्ष का BSc कोर्स करना होगा। फिर 4 साल के BTech से लेकर PhD का कोर्स करना होगा। इसके अलावा इसरो में स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पास करना जरूरी होगा, तब जाकर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी एक महीने का 80,000 रुपये दिया जाएगा। अब दोस्तों, बारी है भारत का दूसरा सबसे हाई पोजिशन वाला जॉब। नंबर 2, इंडियन फॉरेन सर्विस। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन फॉरेन सर्विस आखिर है क्या। दरअसल, देश के विदेश मंत्रालय के कार्यों को संभालने के लिए एक विभाग बनाया गया है, जो देश के बाहर होने वाले देश से जुड़े मसलों को मैनेज करता है। इन्हीं कार्यों के लिए नियुक्त होने वाले अधिकारी को IFS ऑफिसर कहलाते हैं। दोस्तों, IFS ऑफिसर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वही भारत के साथ दूसरे देश के कल्चर रिश्ते को कैसे बढ़ावा देना है, उसकी जिम्मेदारी भी IFS ऑफिसर की होती है। एक तरह से कहा जाए वह भारत का राजदूत या डिप्लोमेट्स होता है। इस पोस्ट में आपको विदेश में रहने का मौका मिलता है। दोस्तों, IFS एग्जाम हर साल UPSC द्वारा निकाली जाती है। आपको बता दें कि IAS, IPS, IFS और IES ये चारों एग्जाम UPSC द्वारा ही निकाली जाती है, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, अगर हम इंडियन फॉरेन सर्विस की मंथली इनकम की बात करें तो इनको महीने का 1,00,000 रुपये दिया जाता है। अब दोस्तों, बारी है भारत का सबसे हाई पोजीशन वाला गवर्नमेंट जॉब। नंबर 1, IAS ऑफिसर।
जिसका पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर जिला स्तर पर कार्य करने के अलावा एक कैबिनेट सचिव के साथ साथ संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवसर सचिव के रूप में भी काम करता है। यह भारत का सबसे ऊंचा पद होता है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही बैठ सकता है। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर जिलाधिकारी के रूप में काफ़ी पावरफुल होता है। एक आईएएस के पास जिले के सभी विभाग की जिम्मेदारी होती है। वह जिलाधिकारी के रूप में पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। एक तरह से कहा जाए जिला के सभी अधिकारी आईएएस ऑफिसर के अंडर में ही काम करते हैं। अगर दोस्तों हम आईएएस ऑफिसर के मंथली सैलरी की बात करें तो इनको महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए दिया जाता है और समय के साथ यह सैलरी 5 लाख तक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे हाई पोजीशन वाला जॉब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।